हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी ना सुबह का टाइम है और सुबह से मैं बस फटाफट से जल्दी जल्दी से काम में लग गई हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है। तो इस वजह से है ना, मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। तो काम तो ऐसा है कि मेरा रोज़ ही जल्दी हो जाता है, पर जब कहीं जाने की एक्साइटमेंट होती है ना, तो फिर और ज़्यादा खुशी होती है। फिर जल्दी जल्दी से सोचती हूँ कि सारा काम जल्दी से कर लेती हूँ, कुछ भी बाकी नहीं होना चाहिए। तो आज मुझे खाना पीना है ना बनाना नहीं है ज़्यादा कुछ, क्योंकि खाना पीना ना ज़्यादा रखा हुआ है। तो ये दो इन दोनों लोगों के लिए ही मैं बनाऊँ, मतलब उन्हीं को थोड़ा सा जो है ना कुछ ना कुछ जुगाड़ करके और उन्हीं को खाना को थोड़ा सा वो कर दूँगी। तो अभी है ना आप लोगों के साथ मैं आज अपना सिंपल सा और बहुत बिजी वाला जल्दी जल्दी वाला रूटीन जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और यहाँ पर अभी है ना मैंने इतने सारे कपड़े जो है ना बहुत सारे हो गए थे और धूप तो निकल गई थी आज, तो मैंने सोचा चलो कपड़े धो लेती हूँ, इतने सारे इकट्ठे हो गए थे सब। और कपड़े मैं हमेशा हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि अब हाथ से ही धोना पड़ेगा, कुछ और तो है नहीं कि किसी और चीज़ से धो जाए। तो यहाँ पर मैंने है ना सारे कपड़े भिगो लिए थे, थोड़ी देर रख दिए थे। इतनी देर में मैंने एक कप चाय पी ली थी, वो मैंने शेयर नहीं करी, तो इसमें एडिट मतलब वीडियो में ऐड नहीं करी। तो चाय मैंने बनाई थी, सुबह चाय हो गई थी, पर अभी मैंने सोचा काम करने से पहले फटाफट से एक कप, मतलब जब तक ये कपड़े जो है ना अच्छे से भीगेंगे फूल जाएंगे तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। तो आज तो वैसे भी संडे था, तो छुट्टी वाला दिन तो आया ही और सब लोग घर पे ही हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड तो घूमने गए हैं, तो रोड साइड में जाते हैं वो, और कार्तिक जो है अपना खेल रहा है। तो मैं फटाफट से काम जो है ना निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर ना कपड़े वगैरह धुल गए थे, कपड़े मैं डालकर आ गई हूँ, कपड़े सूख जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ अंदर, फटाफट से यहाँ पर झाड़ू पोछा ये वाला काम कर देती हूँ। और एक बारी के कपड़े जो है ना धुलकर यहाँ पर रखे हुए हैं, ये मैंने परसों धोए थे, तो दो दिन में सूखे, तो परसों धोए थे। और यहाँ पर है ना बहुत मतलब ये पेटी पे जो बिस्तर पेटी है ना उस पर रखे हुए हैं, ये देखिए। तो इनको भी मैं फोल्ड कर दे रही हूँ। अभी खाना नहीं बनाना था ना, इसलिए मेरे पास टाइम बाकी था, नहीं तो फिर मैं कपड़े जो है ना वो अभी फोल्ड नहीं करती, मैं रात को ही करती हूँ, क्योंकि ये वाला काम मैं रात को ही ना थोड़ा सा ऐसा रहता है कि सब लोग इधर अपना मतलब सामने वाले रूम में ना, वहाँ पर फिर क्या होता है कि अगर मैं कपड़े फोल्ड करूँगी ना तो वहाँ पे एकदम मतलब एकदम आउट पे आ जाती हूँ मैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो लास्ट वाला रूम है ना, ये यहाँ पर एकदम आउट में हो जाता है, और वहाँ पर फिर ये लोग दोपहर के टाइम सुबह से दोपहर तक मैं शाम तक रहते नहीं है। कार्तिक भी खेलता रहता है, घर पर नहीं रहता है, मेरे हस्बैंड भी बस दिन भर इधर से उधर जाना उनको रहता है। तो इसीलिए ना फिर मैं ये वाले काम ना अंदर के रूम के काम जब ये लोग रहते हैं तभी मैं करती हूँ। तो अभी कार्तिक तो था, इसलिए मैंने देखी अंदर वाले रूम में यहाँ पर झाड़ू पोछा झाड़ू लगा दी है और पोछा भी लगा दिया। उसके बाद अभी ये बिस्तर वगैरह ये ठीक कर दे रही हूँ। वैसे यहाँ पर ये मैंने ऐसे ही पलंग जो है ना रख लिया है, और ये गद्दा जो है ना वो पोछ दे रही हूँ। और यहाँ पर बस ये ऐसे ही मतलब अच्छा लगता है, मैंने ऐसी तरीके से इसको ऐसे मतलब जमा लिया है। एक पलंग है और जो टेबल है सामने रखी थी ना वो यहाँ पर रख दी है ऐसे। तो सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से यहाँ पर हो गई हैं। अब उसके बाद यहाँ पर मैं कपड़े जो है ना वो फोल्ड कर दे रही हूँ। ये भी काफ़ी सारे कपड़े थे और अभी इससे ज़्यादा तो सूखने डले हुए हैं ऊपर, तो फिर वो वाले मैं शाम को फोल्ड करूँगी। तो अभी ये मैं जमा कर रख दे रही हूँ। और कपड़े तो ऐसा है कि मैं सबके अलग अलग ही रखती हूँ, किसी के साथ में नहीं रखती हूँ मिक्स करके। सबके मतलब एक एक अलमारी है ना उसमें अंदर जो खंड बने हुए सबके अलग अलग ही मैं जमा करके रखती हूँ, इससे क्या है ना आसानी रहती है। तो ये रहता है ना कि देखिए जमा के सबके अलग अलग रखो और धुलने के बाद देखिए सब कितने मिक्स हो जाते हैं ना। तो ये काम ना बड़ा मुझे ना बहुत वो रहता है बोर सा, लेकिन क्या करूँ कर लेती हूँ। अब काम ही तो है, घर के ही काम है,
और काम तो करने ही पड़ेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर वही घर अपने को ही गंदा लगेगा, मैसी सा लगेगा, और चीज़ें अपनी जगह पर व्यवस्थित रहती हैं ना तो फिर अच्छा भी लगता है, घर एक मतलब साफ़ सुथरा सा दिखता है। सफाई देखिए मैं कितना भी करती हूँ ना मेरे घर में, लेकिन उतना मतलब लाइटिंग भी नहीं है और उतना साफ मतलब आप लोगों को कैमरे में नज़र नहीं आता है। बस ये है कि सफाई मेरी रहती है, अब आप लोगों को नहीं आती है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पहले ना काफ़ी कमेंट आते थे, शायद अभी भी आ जाते हैं कि आप बताती रहती हो ये मतलब सफाई सफाई और कुछ सफाई नहीं रहती, गंदा रहता है घर। तो वो अब आप लोगों के नहीं उसमें दिखता है कैमरे में उतना अच्छे से, तो अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी देखिए हर एक औरत अपने घर की साफ़ सफाई करती है, चाहे वो कैसे भी करे, तो छोटा घर हो या बड़ा घर हो या कैसा भी हो, अपना घर हर इंसान अपना साफ़ सुथरा रखना जानता है। तो ऐसे ही मैं भी रखती हूँ। अब कभी कभी तो ऐसा रहता है कि जब कभी क्या, पहले मेरा जब एक ही रूम था तो सोचिए मैं कैसे करके उसमें एडजस्ट करती थी और उसको इतने अच्छे से व्यवस्थित रखती थी। लेकिन होता है ना कि एक कमरे के हिसाब से देखिए चीज़ें, ऐसा लगता है कि हाँ हर फिर दिमाग में होता है मतलब चलता रहता है कि नहीं इस चीज़ को ऐसे रखना है। अब जब कमरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो चीज़ों का ऐसा रहता है बहुत सारा मतलब पता नहीं कैसे इकट्ठा हो जाता है, फिर इधर उधर सब जगह सामान है ना बहुत ज़्यादा भर जाता है और हो जाता है, तो सब जगह ना ऐसा मतलब सब रूम में फिर ऐसा रहता है, कोई खाली तो ऐसे रख नहीं सकती। चीज़ों के साथ मतलब समय के साथ ना चीज़ें बढ़ती जाती हैं और फिर घर भर जाता है, तो उसके कारण भी थोड़ा सा वो लगता है कि घर जैसे कि साफ़ सुथरा नहीं है। लेकिन ये है कि हम चीज़ों को अलग भी तो नहीं कर सकते कि फेंक दें कि अलग कर दें उनको, हमारी चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, कोई ख़राब तो है नहीं कि हम उनको फालतू में कोई चीज़ें रखे हैं, ऐसा वाला काम नहीं होता है। बस ये है कि घर की जैसी सफाई की बात है तो सुबह से हर कोई अब जिसकी आदत है तो वो सुबह से ही करेगा और जिसकी नहीं होगी तो वो तो नहीं पता, पर हाँ जो मतलब है ना मेरा काम है ना, चाहे वो सफाई हो चाहे कोई भी काम हो, मैं सुबह सुबह ही सारा काम निपटा लेती हूँ। बहुत कम होता है कि जब हाँ सुबह से शाम हो जाती है तब मुझे एकदम डीप क्लीनिंग मतलब कि चीज़ें हटा कर मुझे बहुत सारे मतलब ऐसे काम ना करने पड़ते हैं, तब उसमें समय लगता है। बाकी डस्टिंग और पोंछना और मतलब अलमारियों को, ये सब काम ना मॉर्निंग में हो जाते हैं और मुझे इतना टाइम मतलब इतना समय नहीं लगाती हूँ कि सारा दिन मैं क्लीनिंग में लगाऊँ। काम जितना जल्दी जाना अच्छा है, नहीं तो फिर तो वो दिन भर भी कम पड़ जाता है क्योंकि बाकी और भी काम तो करने होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सारा दिन घर पे ही लगाएं। वैसे एक बात बोला जाए तो घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, हम औरतों के सारा दिन भी कम पड़ जाता है पर करने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है कि हाँ हम किस चीज़ को, और उसका एक सही मैनेजमेंट होना चाहिए काम करने का भी कि हमको किस टाइम पर कितना और कैसा क्या काम करना है। तो उसी हिसाब से मैं मैनेज कर लेती हूँ, सारा दिन नहीं लगाती हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे 9 बजे 10 बजे तक सारा काम निपटाना है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए काम घर पे, चाहे वो खाना से लेके घर के काम हो, साफ़ सफाई हो, क्लीनिंग हो, खाना हो, सब कुछ A to Z तो सब काम हो जाते हैं। अब मैं टाइम नहीं बताती हूँ कि आप लोगों को मैं टाइम बताऊँ कि हर एक मतलब उस टाइम पर ये रहता है कि मैं वीडियो भी शूट करती हूँ और काम ना इतनी जल्दी जल्दी स्पीड से होते जाते हैं ना, तो फिर उतना ध्यान नहीं देती हूँ कि मैं आप लोगों को टाइम ही बताऊँ। बस ये बता देती हूँ कि सुबह से जो मैं 7 बजे से लग जाती हूँ ना तो मेरे 10, 10:30, 11 ऐसे बजे तक हो जाता है, तो इतना टाइम। हाँ खाने का ये रहता है कि हाँ कभी कभी मन होता है कि हम गरम गरम, कभी कभी तो मैं कुछ कुछ चीज़ें बना कर रख लेती हूँ, कभी गरम भी ऐसा रहता है। तो देखिए अभी खाना है ना, मैंने जैसे कि बताया था खाना काफ़ी सारा रखा है, चावल बहुत सारे रखे थे, उसको मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया। मेरे घर में फ्राई राइस ना सबको पसंद है बहुत ज़्यादा, खासकर मुझे भी, तो मैंने फ्राइड राइस कर लिए हैं। और यहाँ पर ये वेजिटेबल पुलाव रखा था, ये मैं गर्म कर दे रही हूँ, तो ये तो अभी कार्तिक खाने वाला है, उसको ये पुलाव ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो तैयार हो गई हूँ, बस मेरा काम भी हो गया है और मैं थोड़ा सा ही
आऊँगी जल्दी जल्दी, फिर मैं निकल जाऊँगी। कार्तिक को लेकर नहीं जाऊँगी और ना ही मेरे हस्बैंड जा रहे, बस मैं जा रही हूँ, तो मैं ऑटो में ही चले जाऊँगी। ज़रूरी काम है इस वजह से, और अभी जा रही हूँ तो पता नहीं कितनी टाइम हो जाएगी, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि रात ही होने वाली है घर आते आते। तो इन लोगों का मैंने सब कुछ कर दिया है, और मेरा ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।